छोट्या मुलास ऐकूया आणि समजून घेऊया की येशू ख्रिस्त कोण. दस मिनट सिर्फ 10 मिनट होगा और 10 मिनट में ये बताऊंगा कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्यों है, कैसा है. सिर्फ 10 मिनट. यूहान के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वर्स ऑफ फर्स्ट इसमें लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. यही आदि से परमेश्वर के साथ था. यूहान जो लिख रहा था वो ऐसे लोगों के लिए लिख रहा था जो परमेश्वर के बारे में सब कुछ भूल गए. द रीजन जॉन रोट द गॉस्पल, द रीजन यूहान ने ये गॉस्पल लिखा था क्योंकि यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह लिखे, चेलों के सामने लिखा है जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये बातें इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ. उसके नाम में जीवन पाओ, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, एक नींव है और इसको हिलाने के लिए शैतान हर कोशिश करेगा. क्यों? क्योंकि हर रिलीजन हर एक ही बात को लगातार स्ट्रेस करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है. अगर आप जेहोवा विटनेस के पास जाते हो तो जेहोवा विटनेस कहते हैं कि यीशु जो है वो परमेश्वर जो है उसका एक उत्पन्न है, उसका एक क्रिएशन है. दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट वाज क्रिएटेड बाय द फादर. अगर आप मोर्मनिज्म में जाते हो तो वो बोलते हैं कि यीशु में कुछ खास बात रही नहीं, हम सब यीशु के जैसे हो सकते हैं, मतलब हम भाई बहन हैं, जैसे यीशु था हम भी हो सकते हैं. हिंदुइज्म में ऐसा कहता है कि हम तो यीशु में भी विश्वास करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास तो इतनी करोड़ों गॉड्स ऑलरेडी हैं तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है यीशु में विश्वास करने की. मुस्लिम मोस्ट इंटरेस्टिंग, कुरान में ऐसा लिखा गया है कि यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र हो नहीं सकता है क्योंकि परमेश्वर जो है वो पुत्र को जन्म नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर पुत्र को जन्म देना है तो उसे किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध रखना पड़ेगा और परमेश्वर के बारे में हम ऐसे सोच नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर ने कभी पुत्र जन्म नहीं और जीसस क्राइस्ट परमेश्वर का पुत्र नहीं है. इनफैक्ट मुस्लिम जो है वो ये भी कहते हैं कि गॉड जो है वो बहुत डिस्टेंट है, अल्लाह जिसे हम कहते हैं वो बहुत डिस्टेंट है, उसके बारे में ना कोई जान सकता ना कोई पहचान सकता है. हमेशा देखो शैतान जो है एक ही चीज़ को हर रिलीजन में लगातार मारता रहता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है. पर यूहन के गॉस्पल अगर आप पढ़ते हो तो यूहन के गॉस्पल में ऐसे लिखा गया है कि जो कोई यह मन ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर है. मतलब परमेश्वर आपके दिल में रहता है, परमेश्वर आप में वास करने के लिए आता है जब आप मानते हो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है. चलो एक 5 मिनट एक 2 मिनट के लिए एक कोर्ट रूम का ट्रायल लेते हैं. कोर्ट रूम का ट्रायल सब जानते हैं, एक जज रहता है, एक विक्टिम रहता है, कन्विक्ट कन्विक्ट क्या कहते हैं आरोपी रहता है और दूसरे विटनेसेस रहते हैं. अच्छा तो यीशु को हम विटनेस ऑफ हम आरोपी लगा देते हैं कि ये जो आदमी है ये कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है. जॉन 10 चैप्टर 30 और 33 में यीशु ने कहा मैं और पिता एक हूँ, मैं और मेरे पिता एक है. जॉन ने ये भी कहा है कि मैं और मेरे पिता में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है. तो यीशु के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि यीशु तो जो कहता है वो परमेश्वर का पुत्र है, ये उसके ऊपर आरोप है. चलो अभी एक चीज़ देखते हैं वेरी क्विकली. नंबर 1, एक ट्रायल के लिए एक जज के लिए कोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए? विटनेसेस. हमें क्या चाहिए? साक्षी, विटनेसेस चाहिए. ठीक है, अब एक एक विटनेस को लाते हैं. नंबर 1 विटनेस, एक तो जीसस खुद कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, चलो ये मान लेते हैं. दूसरी बात, लेट्स गेट द सेकंड विटनेस. सेकंड विटनेस, ये कुरान में ऐसा लिखा गया है कि गब्रियल या गैब्रियल जो था वो एक ऐसा एंजल था, सर्वशक्तिशाली एंजल था जो मरियम के पास आया था और बोला था मरियम तुझे पुत्र जन्म होने वाला है, तुझे पुत्र एक जन्म होने वाला. गब्रियल ऐसा भी एक एंजल था जो इसके पास आया था, प्रॉफिट मोहम्मद के पास आया था और उसे सारे रिवेलेशंस दिए. हमेशा याद रखना इस्लाम जो है वो परमेश्वर से दिए गए एक टीचिंग है, परमेश्वर के बारे में नहीं. इस्लाम इज समथिंग दैट इज फ्रॉम गॉड, इट इज नॉट ऑफ गॉड. सिर्फ बाइबल कहता है कि प्रभु क्या है और कौन है और कैसा है,
सिर्फ बाइबल कहता है। अभी ये देखो, गैब्रियल जो है वो लूक चैप्टर 1:32 में कहता है, मरियम को जाके कहता है, ओके, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। फिर मरियम कहती है कि ये मेरे साथ कैसा हो सकता है, मैं तो किसी मनुष्य को जानती भी नहीं। फिर बाकी गैब्रियल फिर से बोलता है, पवित्र आत्मा उस पर उतरेगा पर परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाएगा, इसलिए वह पुत्र जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। गैब्रियल ने ऑलरेडी साक्षी दी, गैब्रियल जो सबसे महानशाली एंजल है उसने बोला कि ये परमेश्वर का पुत्र तुमसे जन्म होने वाला है। मरियम से फर्स्ट सन कॉल है मरियम का यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। चलो दूसरे विटनेस को लाते हैं, दूसरा विटनेस गैब्रियल के बारे में उसको बुलाते हैं, डिसाइपल्स को, यीशु मसीह के डिसाइपल्स को, यीशु मसीह के शिष्य को। शिष्य क्यों? क्योंकि ये जो थे वो 3 साल लगातार यीशु के साथ थे, अंदर बाहर सोते वक्त घूमते वक्त सब देख रहे थे कि यीशु मसीह कैसा है। फिर जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा था, पेतरस ने बोला मुझे आपके पास आना है, तो उसने बोला ठीक है चलो आ जाओ। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये विश्वास पेतरस का विश्वास था जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर चलने लगा। पेतरस का विश्वास नहीं था, पेतरस का डर था, क्योंकि उसको मालूम था जहाँ पे यीशु है वहाँ पे सिक्योरिटी है, इधर तो सिक्योरिटी होने वाली नहीं है। इसलिए जब उसने सब पानी का ये सब देखा तभी वो डूबने लगा। फिर बाकी यीशु ने उसको उठाया, बोला कि यार तू विश्वासी क्या, इतना भी विश्वास नहीं कर सकता। वो नाव में आने के बाद डिसाइपल्स बोले वहाँ पे, इससे Matthew 14:33 डिसाइपल्स बोले। इस पर उन्होंने जो नाव करके यानी डिसाइपल्स उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। 3 साल लगातार वो लोग यीशु मसीह के साथ थे और उनका जो जवाब था, तू परमेश्वर का पुत्र है। कौन सा अभी तीसरे बंदे को लाते हैं, ओके, पीटर। सब पीटर के बारे में जानते हैं, सबसे नज़दीक सबसे करीबी यीशु मसीह के कौन था? पीटर। हमेशा जब अगर यीशु चल रहा था, हमेशा यीशु अगर रुकता था तो पीटर ही उसके इसमें लगे ना खड़ा था। पीटर हमेशा यीशु के साथ था, हमेशा यीशु के पास था। पीटर ने कहा, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? जब सारे शिष्य यीशु को छोड़ के जा रहे थे तभी पीटर जीसस ने मुड़ के अपने शिष्य के पास देखा, बोला कि तुम भी मुझे छोड़ के जाओगे? फिर पीटर ने कहा, हे मालिक हम किधर जाएं? क्योंकि हमको मालूम है कि तू ही जीवित परमेश्वर का पुत्र है और तुझ में ही अनंत जीवन के वादे हैं, तुझसे ही हम अनंत जीवन वादे समझते हैं। पीटर ने भी कहा, अभी द फिफ्थ वन, अच्छा, जॉन द बैप्टिस्ट। क्या आपको पता था कि अब्राहम से बढ़कर, डेविड से बढ़कर और डैनियल से बढ़कर कोई आदमी है इस दुनिया में था उस टाइम पर? वो है जॉन द बैप्टिस्ट। उससे बेहतर, उससे बड़ा और कोई नहीं था पूरे बाइबल में। क्या आप जानते हो यीशु को छोड़ दिया? क्या आप जानते हो Matthew 11:11 में यूँ लिखा गया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु अपने शिष्य को कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो स्त्रियों में से जन्मा है उनमें से यूहान बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़ा नहीं हुआ। मतलब सबसे बड़ा जो है, सबसे महान व्यक्ति जो है पूरे बाइबल में, वो है यूहान बपतिस्मा देने वाला। अभी यूहान बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? जब यीशु को बपतिस्मा दे रहा है, यीशु के उधर ऊपर आने के बाद पवित्र आत्मा उस पर उतर आता है, यीशु पर उतर आता है, उसके बाद बपतिस्मा वाला क्या कहता है? John 1:34 गवाही दी कि परमेश्वर यही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर का पुत्र है। केस क्लोज्ड। अगर एक कोर्ट में जाओगे तो इतना काफी है, केस क्लोज्ड। पर अगर आप ये नहीं मानते अभी तक, फिर भी मैं आपको 2 या 3 और देता हूँ। इसके बाद देखो बस चैप्टर, मतलब कितने हो गए अभी तक? चार हो गए। अभी फिफ्थ वन, सेंचुरी। एक सूबेदार जो था वो यीशु को मार रहा था और बहुत सारे जो रोमन सोल्जर्स थे वो यीशु को मार रहा था। क्रूस पर लटकाए हुए मसीह को देखकर जब भूकंप आया, जब पर्दा फटा, वो वेल फटा, जब यीशु मसीह मर गए थे, भूकंप आया था, तभी वो सेंचुरियन जो सूबेदार ने क्या कहा? Matthew 27:54, ये तो अन्य जाति है, ये तो रोमन सोल्जर है, ये क्रिश्चियन भी नहीं था, फिर भी इसने क्या कहा यीशु के बारे में? सुनो, तब सूबेदार और जो कोई उसके साथ थे पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। ये लोग यीशु के पीछे नहीं चल रहे थे, फिर भी उनको पता था कि ये ही परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद नेक्स्ट वन, आप सोचते रहेंगे कि ये तो सब मनुष्य है, ये सब आदमी लोग हैं, ये सब फिर भी ठीक है, समझ सकते हैं,
गलील क्रॉस करके आए थे, तभी वो शैतान से शैतान जिस आदमी के अंदर था वो आदमी एकदम घबरा गया। फिर बाद में जब शैतान हुआ, जब जीसस शैतान के पास गया तो शैतान ने क्या बोला, कितने शैतान थे उसमें पहले, कितने शैतान थे, सैन्य, सैन्य मतलब एक लीजन, एक लीजन का मतलब 6000 से भी ज़्यादा, 6000 से भी ज़्यादा। अगर आप सोचो आप मार्केट में जा रहे हो और एक बंदी को अगर बोले हेलो भाई एड्रेस किधर है, एक आदमी की आवाज़ से 6000 बातें आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा, 6000 जन एक साथ बोल रहे हैं और वो एक ही चीज़ बोलते हैं, वो एक ही चीज़ बोलते हैं, उन्होंने चिल्ला कर कहा हे परमेश्वर का पुत्र हमारे तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने के लिए आया है। लूक चैप्टर 4 वर्स 41 में ये भी कहते हैं, और दुष्ट आत्माएं भी चलती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, भवतों में से निकल गई। दुष्ट आत्माएं निकलने लगी क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात चला रहे थे, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान भी जानता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये बात सबसे छुपाने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है। सेकंड कोरिन्थियस चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा है, और उन अन्य विश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर है, इस संसार की ईश्वर कौन है, शैतान, यीशु नहीं है, शैतान है, इस संसार की ईश्वर, इस संसार की ईश्वर ने अंधी की है ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सूत समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि शैतान भी जानता है कि अगर हर कोई जान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो वो बच जाएगा, वो अनंत काल जीवन पाएगा। सबसे लास्ट इसमें यीशु मसीह कहता है कि चलो अगर इतने भी विटनेसेस काफी नहीं है, मेरे कार्यों जो कार्य मैंने किए उनके द्वारा तुम विश्वास करो। जॉन चैप्टर 5 वर्स 36 में ऐसा लिखा गया है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से भी बड़ी है, जो काम मुझे पिता ने पूरे करने के लिए सौंपे हैं, अर्थात यही काम जो मैं कर रहा हूँ वे मेरे गवाही है कि पिता ने मुझे भेजा है। जो काम मैंने किए, क्या कोई परमेश्वर से आया हुआ व्यक्ति किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या परमेश्वर का पुत्र ही ऐसा होगा जो एक पूरे अंधे को आगे दे सकता है? परमेश्वर का पुत्र ही ऐसा होगा जो किसी का जीवन बदल सकता है, किसी को बोल सकता है तुम्हारे पाप क्षमा हो गए? ये परमेश्वर का पुत्र है। इतने विटनेसेस के बाद कोई बोल सकता है कि परमेश्वर का पुत्र नहीं है? आखिर में देखो गॉड जज ये सब सुनने के बाद और कोई अच्छा ही नहीं है। बहुत एनिमीज ने बोल दिया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु के शिष्य ने बोल दिया यीशु का परमेश्वर का पुत्र है, यीशु के काम ने बोल दिया यीशु परमेश्वर का पुत्र है। गॉड का फाइनल वर्डिक्ट, गॉड का फाइनल वर्डिक्ट क्या है, ये मेरा प्रिय पुत्र है इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। द जज हैज स्पोकन, जज ने केस क्लोज कर दिया। जीसस इज द सन ऑफ गॉड, और जब तक आप इसमें विश्वास नहीं करते हो तब तक आपका जीवन बदल ही नहीं सकता, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लास्ट वर्स, जब परमेश्वर, फर्स्ट जॉन 5 है, जब परमेश्वर के पुत्र पर, जो कोई परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में एक गवाही रखता है, वो अपने में एक गवाही है। लास्ट आखिरी विटनेस आप खुद हो। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा कहलाया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के बारे में दिया। और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है।